हेलो, मैं हूँ खुशी और आप देख रहे हैं सिनेमा शो। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे शाहरुख खान को मिली जान से मारने की धमकी के बारे में, साथ ही बताएंगे कि अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 पहले दिन दुनिया भर से कितनी कमाई कर सकती है, अक्षय कुमार भागम भाग के सीक्वल में काम करने जा रहे हैं, ये जानकारी भी आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। स्ट्रेंजर थिंग्स के 5वें सीजन और आखिरी सीजन को लेकर काफी माहौल बना हुआ है। इसी बीच मेकर्स ने शो से जुड़ी एक क्लिप रिलीज की। इसमें 5वें सीजन के सभी 8 एपिसोड्स के नाम बताए गए हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 2025 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगा। पैरासाइट फेम डायरेक्टर बोंग जून हो की अगली फिल्म है रॉबर्ट पैटिंसन स्टारर मिकी 17। पहले ये फिल्म 31 जनवरी 2025 को रिलीज होने वाली थी, मगर प्रोडक्शन कंपनी वार्नर ब्रदर्स ने बुधवार को घोषणा की कि मिकी 17 अब 18 अप्रैल 2025 को थिएटर्स में लगेगी। फिल्म को पोस्टपोन करने का फैसला इसलिए लिया गया ताकि इसे दुनिया भर में IMAX थिएटर्स में रिलीज किया जा सके। करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन के तले एक लव स्टोरी बनने जा रही है। इस फिल्म का नाम होगा चांद मेरा दिल। इस फिल्म में अनन्या पांडे और लक्ष्य ललवानी नजर आएंगे। ये एक इंटेंस लव स्टोरी बताई जा रही है जिसे विवेक सोनी डायरेक्ट करेंगे। चांद मेरा दिल 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सलमान खान के बाद अब शाहरुख खान को भी जान से मारने की धमकी मिली है। इंडिया टुडे की ही रिपोर्ट के मुताबिक कॉलर की पहचान फैजान खान नाम से हुई है। पुलिस ने शख्स को रायपुर छत्तीसगढ़ में ट्रेस किया है। शाहरुख को ये धमकी 5 नवंबर को दी गई थी। कमल हासन और मणि रत्नम की फिल्म ठग लाइफ का रिलीज डेट टीजर आ गया है। इससे पता चला कि ठग लाइफ 5 जून 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में कमल हासन के साथ त्रिशा कृष्णन, अली फजल, नासिर और अशोक सेल्वन जैसे एक्टर्स भी काम कर रहे हैं। अजय देवगन की फिल्म नाम का ट्रेलर आ गया है। ये फिल्म 2012-13 में बनकर तैयार हो गई थी, मगर प्रोड्यूसर की डेथ की वजह से फिल्म की रिलीज लटक गई, जिसे फाइनली अब सिनेमाघरों में उतारा जाएगा। नाम को अनीस पजमी ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म 22 नवंबर को थिएटर्स में लगने वाली है। अक्षय कुमार, गोविंदा और परेश रावल जल्द ही भागम भाग के सीक्वल में नजर आएंगे। पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल इस फिल्म की लिखाई पर काम चल रहा है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो भागम भाग 2 की शूटिंग 2025 के आखिर में शुरू होगी, ताकि फिल्म को 2026 में रिलीज किया जा सके। अभी इस प्रोजेक्ट से कोई डायरेक्टर नहीं जुड़ा है। पुष्पा 2 इस साल की सबसे बहुप्रतिष्ठित फिल्म है। फिल्म की कमाई को लेकर अभी से तमाम अटकलें लगनी शुरू हो गई है। इंडस्ट्री ट्रैकर सिग्नल के प्रोजेक्शन के मुताबिक पुष्पा 2 पहले दिन दुनिया भर से रिकॉर्ड 270 करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है। इसमें से 200 करोड़ रुपए फिल्म का डोमेस्टिक कलेक्शन हो सकता है। सिग्नल के प्रोजेक्शन के ही मुताबिक पुष्पा 2 पहले दिन 270 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। बिग बॉस 18 को सलमान खान होस्ट कर रहे थे, मगर आने वाले वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वो अपनी फिल्म सिकंदर की शूटिंग में व्यस्त हैं। इसलिए इन दो एपिसोड्स में एकता कपूर और रोहित शेट्टी बतौर होस्ट नजर आएंगे। भूल भुलैया 3 ने रिलीज के 6वें दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस से कुल 10.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जिसके बाद फिल्म का टोटल कलेक्शन 148.5 करोड़ रुपए का हो गया है। वहीं सिंघम अगेन ने 6वें दिन देसी टिकट खिड़की से 10.2 करोड़ रुपए की कमाई की है। हालांकि इसका 6 दिनों का कलेक्शन भूल भुलैया 3 से ज्यादा है। इसने 6 दिनों में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कुल 164 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। खाकी द बिहार चैप्टर के बाद नीरज पांडे एक नए प्रोजेक्ट के साथ लौटे हैं। इस नई फिल्म का नाम है सिकंदर का मुकद्दर। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है। इसमें अविनाश तिवारी, जिमी शेरगिल और तमन्ना भाटिया जैसे एक्टर्स नजर आएंगे। सिकंदर का मुकद्दर 29 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होनी शुरू होगी। जूनियर NTR की पिछली फिल्म देवरा टिकट खिड़की पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई, मगर जो लोग इसे सिनेमाघरों में नहीं देख पाए वो इसके OTT रिलीज का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए अच्छी खबर है कि देवरा 8 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। हालांकि फिल्म का हिंदी वर्जन 22 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर ही रिलीज हो सकता है। अब बारी है आज की फिल्म रिकमेंडेशन की। आज की फिल्म है इंसेंडीज। कनाडा में रहने वाली दो जुड़वा बहनों की कहानी है, जो अपनी माँ के अतीत को तलाशती हुई उसके नेटिव देश जाती हैं, जहाँ भयानक सिविल वॉर चल रहा है। यहाँ उन्हें अपनी माँ के बारे में क्या कुछ पता चलता है, यही फिल्म की कहानी है। इंसेंडीज Amazon प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है, देख डालिए। आज की खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। मैं खुशी, आप देख रहे हैं नॉन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।